राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की 68वीं वर्षगांठ 22 जुलाई 2022 को मनाया गया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा हुई। तो दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की 68वीं वर्षगांठ जो है वह 22 जुलाई 2022 को मनाया गया, जिसमें से विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा हुई है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स भी है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही चीज़ों को मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये सब जो जानकारी है वो आप लोगों को ध्यान रखना ही है। इनके अलावा में भी आप लोगों को बहुत सारे कैटेगरी में यहाँ पे प्राइज मिला हुआ है, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हीं लोगों को मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 को, तो यह कहाँ हुआ था? तो यह आयोजन हुआ था नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में इसका आयोजन हुआ। कब हुआ? तो यह हुआ 22 जुलाई 2022 को। और यह संस्करण कितना था? तो यह संस्करण था 68वां, यानी कि एडिशन 68 है। दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वह दो संस्करणों में दिया जाता है, दो क्षेत्रों में दिया जाता है, एक फीचर फिल्म में और एक गैर फीचर फिल्म में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, फीचर फिल्म और गैर फीचर फिल्म में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं प्राइज़ की, जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के बारे में। तो यह पुरस्कार मिला है सोराराई पोटू को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सोराराई पोटू फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार की घोषणा हुई है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो वह है तान्हाजी। तो ये तान्हाजी को है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और सूर्या, इन दोनों को मिला है। तो अजय देवगन को तान्हाजी मूवी के लिए मिला है और साथ साथ सूर्या को सोराराई पोटरू के लिए मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो अजय देवगन को तान्हाजी मूवी के लिए और सूर्या को सोराराई पोटरू के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है अपर्णा बाल मुरली को। ये ध्यान रखना है, अपर्णा बाल मुरली, और इनको मिला है सोराराई पोटरू फिल्म के लिए। तो ये आपको याद रखना है, सोराराई पोटरू फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है अपर्णा बाल मुरली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है सची, ये नाम है, और ये अय्यप्पनम कोसियूम ये फिल्म का नाम है। तो इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है सची को, अय्यप्पनम कोसियूम। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो प्राइज मिला हुआ है बीजू मेनन को। तो ये बीजू मेनन को मिला हुआ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब किसको मिला है? तो यह मिला है लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, जो दोनों पुरस्कार मिला हुआ बीजू मेनन और साथ ही साथ लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पटकथा का, तो ये सर्वश्रेष्ठ स्टोरी जो है वो कौन सा है? तो यह सोराराय पोटरू। तो ये ध्यान रखना है, सोराराय पोटरू के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला है राहुल देश पांडे को। ये भी ध्यान रखना है, राहुल देश पांडे को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, साथ ही साथ बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है नचम्मा को। तो ये भी नाम याद रखना है, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है नचम्मा। सर्वश्रेष्ठ गीत की बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, तो सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला है साइना को। ये है साइना मूवी में सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला है साइना को। अब बात करते हैं बेस्ट कोरियोग्राफी का, तो बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया है संध्या राजू को नाट्यम मूवी के लिए। तो ये ध्यान रखना है, बेस्ट कोरियोग्राफर संध्या राजू को नाट्यम के लिए मिला है। तो इतने से जो जुड़ी जानकारी है वो आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वह है कि यह 68 एडिशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रहा और यह नई दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। साथ साथ यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में जो है वह सोराराय पोटरू और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन के साथ साथ में सूर्या, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो वह है अपर्णा बाल मुरली। तो ये
एकदम इम्पोर्टेंट है, यहीं से लगभग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, तो आप लोगों को इतनी जो है जानकारी याद रखना ही रखना है।